हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप प्लस साइज की हैं तो आज की वीडियो है आपके लिए कि अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपने लुक को थोड़ा स्लिम दिखा सकते हैं। तो मैंने इसमें टोटल 6 टिप्स दिए हैं, अगर आप उन्हें पूरा देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और अपने लुक को कैसे स्लिम दिखा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप थोड़ा थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं पहले लुक की। तो पहले लुक में है आपको अपने लिए जो लूज कपड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम मोटे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाता है कि हम पर तो यार कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। तो आपको जो है वो लूज कपड़े हैं वो अवॉइड करने हैं, आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कपड़े लेने हैं। बात करेंगे सेकेंड लुक की। तो सेकेंड लुक में आपको अपने लिए शॉर्ट टॉप अवॉइड करना है और आपको लेना है ऐसा टॉप जो आपकी हिप को कवर करे। अगर आप ऐसा टॉप लेंगी तो आप काफ़ी स्टाइलिश दिखेंगी अगर आप वेस्टर्न पहनती हैं। अगर आप वेस्टर्न नहीं पहनती हैं तो भी कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी हिप से नीचे की कुर्ती ही लें, उससे ऊपर की कुर्ती आप अवॉइड कीजिएगा। आप इस तरह से अगर अपने कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो काफ़ी स्लिम दिखा सकते हैं अपने लुक को। तो अवॉइड करना है आपको छोटा टॉप, इसकी जगह आपको लेना है लॉन्ग टॉप थोड़ा सा जो आपकी हिप को कवर करेगा। ऐसे जो टॉप होते हैं वो आपको ब्यूटीफुल और स्टाइलिश दिखाते हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर पर क्या है, आपको डार्क कपड़े लेने चाहिए। अगर आप प्लस साइज के हैं तो आपको जो है डार्क कपड़े ही लेने चाहिए। अगर आप कुर्ती ले रहे हैं या वेस्टर्न पहन रहे हैं, जो भी आप पहनिए उसमें डार्क कलर चूज कीजिएगा। अगर आपने कुर्ती डार्क कलर की ली है तो उसकी बॉटम आप डार्क लीजिएगा। अगर आपने कोई डार्क टॉप लिया है तो उसके साथ अपनी जो जीन्स आप कैरी कर रहे हैं उसको भी आप डार्क लीजिएगा। ये आपको काफ़ी हद तक जो है स्लिम दिखाने में हेल्प करती है अगर आप ये टिप्स फॉलो करती हैं। अपने लिए इस तरह के टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और थोड़ा डार्क कलर भी अपने लिए चूज कीजिएगा। आप इस तरह से कपड़े अपने लिए चूज करेंगे काफ़ी स्टाइलिश दिखेंगे। बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर पर जो है आपको बड़े प्रिंट वाले कपड़ों से बचना चाहिए, ये आपको मोटा दिखाते हैं। आपको लेना चाहिए या तो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक से आप अपने जो है कोई भी कपड़ा है कस्टमाइज करा सकते हैं, चाहे वो कुर्ती हो या टॉप हो, या फिर अगर आपको प्रिंटेड ही पहनना है तो आप उसमें छोटा प्रिंट ऐड कर सकती हैं। ये आपको काफ़ी हद तक जो है स्लिम दिखाएगा। बड़े प्रिंट को अवॉइड कीजिएगा, बड़ा प्रिंट तो आप बिल्कुल भी अपने लिए मत लीजिएगा। अगर आप मोटे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप पर तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। बस अपने कपड़ों को कस्टमाइज कराते वक्त थोड़ा स्टिचिंग का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट लुक की। तो नेक्स्ट लुक में आप अपने लिए पार्टी वेयर ड्रेस अगर ले रहे हैं और आपने इसमें लहंगा अगर कैरी किया है, वेयर कर रहे हैं लहंगा, तो आप अपने दुपट्टे को इस तरह से कैरी कीजिएगा शोल्डर पर पूरा लॉन्ग जो फ्लोर लेंथ तक टच करे। वो आपको काफ़ी हद तक एक वॉल्यूम देता है और अपने लुक को जो आपका प्लस साइज से थोड़ा सा नॉर्मल दिखाता है, जिससे आप थोड़े पतले लगते हैं। सेम चीज़ आप अपने लिए कोई अनारकली ले रहे हैं तो उसमें भी फॉलो कीजिएगा, या आप कोई गाउन पहन रहे हैं तो उसके साथ भी आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हद तक जो है स्लिम दिखाएगा। जो भी आप फैब्रिक चूज करें, कलर चूज करें, उसे थोड़ा डार्क लीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट और आखिरी लुक की। तो आप अपने लिए बॉडी शेपर ले सकती हैं, ये ड्रेस के अंदर पहने जाते हैं, ये आपके शरीर को शेप में दिखाते हैं और आपको ब्यूटीफुल लुक देते हैं। इसे खरीदते समय बस ध्यान ये रखना चाहिए कि ये ज़्यादा टाइट ना लें, आप ऐसा लें जो आपके शरीर पर ज़्यादा नुकसान ना डाले। कई बार स्टिच इतना ज़्यादा टाइट लेने से आपके जो है बॉडी पर मार्क्स आ जाते हैं, तो उन्हें अवॉइड किए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड और सगे संबंधियों में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।